हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। तो हम लोग एक एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर को ध्यान रखने के लिए एक चीज, आप रियल लाइफ एग्जांपल ध्यान रखेंगे। आपने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल क्या है, एक स्फीयर है। आपने क्रिकेट बॉल देखा है, वो भी क्या है, एक स्फीयर है। चाहे आप कंचा जो खेलते हैं, वो भी कंचा भी क्या होता है, एक स्फीयर होता है। तो ठीक है, तो हम स्फीयर के बारे में बात करेंगे। यानी यूं समझ लीजिए कि क्रिकेट बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक स्फीयर मान रखा है, उसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, ये क्या है, इसका रेडियस आर है। अब क्या करेंगे हम लोग इस स्फीयर का, क्या करेंगे, सीएससी निकालेंगे, टीएससी निकालेंगे, एंड क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्फीयर के केस में क्या, स्फीयर के केस में सीएससी और टीएससी दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलिए करते हैं। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों सम होता है। और क्या होता है, 4π आर स्क्वायर। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 4π r² के इक्वल होता है। अब हम क्या करें कि ये जो स्फीयर है या जो क्रिकेट बॉल है जिसका रेडियस आ रहा है, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाले। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और क्या होता है ये फॉर्मूला, 4/3π r³। क्या, 4/3π r³। ये हो गया, दो फॉर्मूले हो गए स्फीयर के केस में, सीएसए इक्वल टू टीएसए, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4π r², और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3π r³। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर के बारे में मैं बता दूं कि जो स्फीयर था उसको हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट बॉल था, उसको क्या कर दिया हमने, दो इक्वल पार्ट में कर दिया। तो ध्यान से देखिए कि ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे पार्ट बनेगा, जैसे बाउल टाइप का कटोरा जो होता है उसी टाइप का बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, भरा होगा, कंप्लीट फिल होगा। ठीक है, तो आप कंचे को दो इक्वल पार्ट में अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़ के देखिएगा, जो डायग्राम बनेगा वही डायग्राम से मैं बनाया हूं। या क्रिकेट बॉल को आप दो इक्वल पार्ट में कट करके देखिएगा, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हेमिस्फीयर के केस में क्या, हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो एक चीज ये ध्यान रखिए, यही तो होगा कर्व सरफेस एरिया, यही तो होगा, बस यही एरिया तो कर्व सरफेस एरिया होगा। यानी जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है उसका हाफ कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो देखिए स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4π r², इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π r² हो जाएगा। यही क्या होता है, 2π r² क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर के केस में हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस का एरिया। क्या, कर्व सरफेस एरिया ये प्लस बेस का एरिया, यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमें पता है कि क्या है, 2π r² है। क्या, 2π r². अब बेस का एरिया क्या है, देखिए अगर आप कटोरे के देखेंगे या आप मान लीजिए कि बॉल को कट करके देखेंगे, तो जो ये पार्ट है ये तो कर्व सरफेस एरिया होगा, ऊपर एक सर्किल बन रहा होगा, ऊपर एक सर्किल बन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये ऊपर एक सर्किल बन रहा होगा और सर्किल का एरिया क्या होता है, π r², तो उस एरिया को भी हम ऐड करेंगे, यानी प्लस π r². यानी एक चीज ये ध्यान रखना है कि हेमिस्फीयर के केस में टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, 3π r², टीएससी क्या होता है हेमिस्फीयर के केस में, 3π r², देखिए ये 2π r² प्लस π r² कितना आ जाएगा, 3π r², इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होता है हेमिस्फीयर के केस में। अब मैं बता दूं हेमिस्फीयर के केस में वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3π r³। अब हेमिस्फीयर का है तो हेमिस्फीयर में दो इक्वल पार्ट में कट किया गया, तो हम क्या करें वॉल्यूम को भी क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे। अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी जब भी इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3π r³ हो जाएगा। या क्या जाएगा फॉर्मूला, 2/3π r³। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर का क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ध्यान रखिएगा हेमिस्फीयर का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 2/3π r³। तो मेरे ख्याल से स्फीयर और हेमिस्फीयर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उस वीडियो को मिस ना करें आप लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।